इस टाइम कोरोना वायरस, जिसका नया नाम है कोविड-19, को काबू करने के लिए चाइना की सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस वायरस से संक्रमित लोगों में अभी तक किसी भी तरह का गिराव चाइना में देखने को नहीं मिला है। चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक ही दिन में हुबई प्रांत में लगभग 109 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत होने की सूचना दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चाइना में अभी तक 2,345 लोगों की मौत हो चुकी है। कमीशन ने यह भी बताया कि इस वायरस से जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनका आंकड़ा पहुंच गया है 76,288, जिनमें से लगभग 15,000 लोगों की सिचुएशन क्रिटिकल है। चाइना के बड़े शहर जहां जहां ये वायरस फैला हुआ है, उन सभी सिटीज को काफी बड़े पैमाने पर डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। वुहान शहर, जहां पर इसका संक्रमण सबसे ज्यादा है, उसको दिन में 2 बार स्टरलाइज यानी कि कीटाणु रहित किया जा रहा है। 9 फरवरी से शुरू हुआ और अभी तक उसी पैमाने पर सफाई चल रही है। चाइना के हुबई प्रोविंस के सभी शहरों को तो पहले ही सील किया हुआ था, अब एक एक घर का निरीक्षण किया जा रहा है। घरों में छापे मारे जा रहे हैं और जिस जिस को कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जाते हैं उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। लोगों को घरों से बिना परमिशन निकलने की इजाजत नहीं है। हर घर को एक टोकन दिया जा रहा है जिसको दिखा के 3 दिन में एक बार घर से बाहर निकला जा सकता है, और वो भी बस राशन पानी खरीदने जैसे जरूरी काम के लिए। सभी गाड़ियों को स्टिकर्स इशू कर दिए गए हैं, बिना स्टिकर वाली गाड़ी का चलान किया जा रहा है। अब देख लेते हैं किस किस जरिए से डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा रिसर्च बेस्ड दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज दोस्तों। आने जाने वाले सभी लोगों को इंडिविजुअल बेसिस पर कोविड-19 से बचने के लिए चाइना में डिसइंफेक्शन टनल्स बनाए गए हैं। चोंगक्विन शहर की एक कंपनी ने इस तरह के 2 बड़े टनल सिटी में इंस्टॉल किए हैं। इन टनल में वर्कर्स या फिर काम पे जाने वाले लोग अपने आप को स्टरलाइज कर सकते हैं। टनल्स में है इंफ्रारेड डिटेक्टर्स। टनल में जब कोई व्यक्ति आके खड़ा होगा तो इस टनल के अंदर स्प्रेज ऑटोमेटिकली चल जाएंगे और एक इंसान को इस टनल में स्टरलाइज होने के लिए कम से कम 20 सेकंड के लिए खड़ा होना होता है। एक और हैरान कर देने वाली टेक्निक जो चाइना में यूज की जा रही है, ड्रोन, जो आज तक हमने सिर्फ मूवीज की शूटिंग या फिर शादियों में वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होते देखा है, चाइना उसका एक बहुत ही हैरान कर देने वाला इस्तेमाल ले रहा है। ड्रोन को यूज किया जा रहा है सिटीज की सुपरविजन एंड चेक्स के लिए। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जहाँ ड्रोन बिना मास्क वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है और उन लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला जा रहा है। You, the handsome man with the telephone, where's your mask? Put it on. Hey, you on the bike, put on your mask when you're in the street. Don't endanger your fellow citizens. Yes, ma'am, it's the drone talking to you. You shouldn't come out without a mask. Go back inside and wash your hands. The drone can see you. अब आप सोचेंगे कि एक ड्रोन भला ऐसे कैसे कर सकता है? ये ड्रोन ऐसे कैमरों से लेस है जो बिना मास्क पहने लोगों की पहचान कर सकता है, और जैसे ही कोई बिना मास्क के दिखता है तो ड्रोन में लगे मेगाफोन्स से चीखने की आवाज आने लगती है। आप सभी को क्या लगता है, इंडिया में भी ट्रैफिक रूल्स की निगरानी के लिए ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल होना चाहिए? आप भी अवेयरनेस में कॉन्ट्रीब्यूट करें। आप कमेंट करके बताओ कि इंडिया में ऐसे ड्रोन का कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है। अब उसी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके बड़े स्तर पर शहर में डिसइंफेक्शन का छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में चीन से कोई टेको न्यूज ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम डिसइंफेक्शन के लिए चीन में चल रहा है एक ड्राइवरलेस ट्रक। ये ट्रक चल रहा है बैटरी से और एक बार की चार्जिंग में ये 8 घंटे तक चल सकता है। ये मुख्य रूप से रेजिडेंशियल क्वार्टर्स को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जहां पर कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड केस पाए गए हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बात करें तो इस टाइम चाइना में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की डीप क्लीनिंग की जा रही है। हर एक कोना साफ किया जा रहा है जहां जहां कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। एक क्लिप में आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से हो रही है इस वक्त सफाई। हर एक कोना जिसको लोग अक्सर छूते हैं उसको अच्छे से साफ किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख कोने हैं टॉयलेट्स, सिंक्स, डोर नोब्स, आर्मरेस्ट आदि। और ये इक्विपमेंट जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसका वेट है लगभग 15 kg। एक ट्रेन जिसमें 8 coaches हो उसको डिसइंफेक्ट करने में 40 मिनट तक का टाइम लग जाता है। आप मानोगे नहीं, इस कोरोना वायरस के चलते 405 सर्वे स्टेशंस को डेली सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी वर्कर्स इस बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर लगे हुए हैं। रिमोट कंट्रोल्ड मिनी टैंक्स जिनको मूल रूप से चाइना की जेलों को या फिर हाई सिक्योरिटी एरियाज को कीटाणु रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था, अब उनको इस जानलेवा कोरोना वायरस के चलते सड़कों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है। कीटाणु शोधन सिर्फ जगहों का ही नहीं, इंसानों का भी हो रहा है। चाइना से आने वाले सभी यात्रियों का प्लेन से उतरते ही कीटाणु शोधन किया जा रहा है। ये वायरस फैलता ही इतनी तेजी से है कि ये सब करना बहुत जरूरी हो गया है हर एक देश के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं ट्राई करती हूँ आपको बिना लाग लपेट के सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और फेक न्यूज से बचाऊँ। आज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, कर लो यार सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें।